प्रियजनों, आपको पता है ना कि बेल बूटे दरख्त जंगल बाग बगीचे और समस्त वनस्पति को सावन का महीना सबसे ज़्यादा सुहावना लगता है। और वनस्पति क्यों, हम सबको भी तो ये अच्छा लगता है ना। जब गर्मी की तपिश से हमारे चेहरे कुमलाए होते हैं और आंखों से तपश निकल रही होती है, और जब गर्मी में चलने वाली लू शिखर छूने लगती है, तो सावन का महीना दस्तक देता है। और इस महीने का आगमन हमारी चेतना में एक असीम आनंद से फलीभूत कर देता है। सावन के पानी की बूंदें फिर से जीवन को तरोताज़ा कर देती है। क्या आपको पता है कि सावन की बारिश की बूंदों में अद्भुत शक्ति का सृजन हुआ होता है, क्योंकि हर एक पानी की बूंद का ना अपना इतिहास होता है कि वे कहाँ से उठी, कहाँ इसका वाष्पीकरण हुआ, किन फिजाओं में रही और अब जाके उसका फिर से धरती के साथ मिलन होने जा रहा है। इसलिए इन बारिश की जो बूंदें हैं उनको आप ऐसा वैसा मत समझना, एक लंबा इतिहास संजोए बैठी हैं ये। और इन बूंदों को अजाई ही नहीं गुआ देना, बेहद कीमती हैं ये। इनको अपने शरीर से स्पर्श होने देना। जितनी सावन की बूंदों को आप अपने आलिंगन में लोगे, ये उतनी एनर्जी आप में भर देंगी, पक्की बात है, सच्चाई है ये। कहते हैं कि बाहरी संसार की कोई भी चीज हमारी चेतना में नहीं उतर सकती, बस सावन की बारिश की बूंदें ही हैं जो आपकी अंतरात्मा में उतर सकती है। और इस बार हम ये कोशिश करके देखेंगे। मैं आपको ना एक का प्रयोग बताने जा रहा हूँ, करिएगा जरूर प्लीज़। सावन में बारिश का इंतज़ार करना, जब बारिश शुरू हो जाए और बहुत तेज़ बारिश हो, तो आप बारिश में किसी जगह चौकड़ी मार के बैठ जाना, अपने हाथ जोड़ लेने, एक प्रे करनी है, अरदास करनी है भगवान को, और ये शब्द कहने हैं, भगवान जल तत्व आपने ही बनाया है ना, और हमारे पांच तत्वों से जिनका ये शरीर बना है उनमें से जल तत्व भी एक है, ये हमारे शरीर का बेहद इम्पोर्टेंट भाग है, हिस्सा है, तो जल के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। मेरे शरीर रूपी आंगन में आज बादल की बूंदों आपने आप बरसो, ये मेरी अरदास है कि मेरी जो मेरा शरीर है, मेरे शरीर रूपी आंगन में आप आओ और जम के बरसो, और इतना बरसो कि मेरे जन्मों जन्मों की प्यास खत्म हो जाए, और ऐसा जम के बरसो जैसे बाहर बरस रहे हो। मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, न्योता दे रही हूँ, प्लीज़ मेरे शरीर के आंगन में उतरो और जम के बरसो। सदियों से मेरी आत्मा प्यासी है, सदियों से ये प्यास जाती नहीं, बहुत कोशिश की, हर तरह से कोशिश की, पर ये प्यास खत्म नहीं होती, मेरी प्यास बुझा दो जल तत्व जी, मेरी प्यास बुझा दो, मेरी प्यास बुझा दो। चेतना रूपी बीज जो मेरे शरीर के अंदर है और सड़ रहा है, मैंने कभी इस बीज को पनपने का कोई मौका ही नहीं दिया।
पर आज मैं संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये बीज जब तक, चेतना रूपी बीज जब तक पुंगरेगा नहीं ना, पौधा नहीं ना बनेगा, फल फूल नहीं ना आएंगे, मैं निरंतर कोशिश करता रहूँगा या करती रहूँगी। इसको पनपने में, बड़ा होने में, चेतना रूपी बीज को नहीं तो ऐसे ही सड़ जाएगा और मेरे जीवन के साथ खत्म हो जाएगा। तो चेतना रूपी बीज को मैं वृक्ष बनते हुए देखने की मेरी चाह है और अपने प्यास को बुझाने की चाह है। तो जल तत्व जी मेरे आंगन में आके आज बरसो, आज जम के बरसो। ये जल तत्व जी मेरे बीज को पनपने में मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो प्लीज़। तो इसके बाद आप ना 10 मिनट के लिए मूल मंत्र की एक वीडियो स्टार्ट होगी, तो उसमें बारिश की आवाज़ है और मूल मंत्र है। आपने आपको एक कागज करना है, एक तो बारिश की आवाज़ आपको बाहर से आएगी, एक आपके कान से इस बारिश की आवाज़ वीडियो से आपके अंदर भी जाएगी, एक कंपन भी है इस वीडियो में जो आपको एकाग्र होने में आपकी सहायता करेगी। आपने आपने इस कदर अपने आप को एकाग्र करना है और आवाज़ को धीमा रखना है, जो कान में कान से आवाज़ सुनोगे उसको धीमा रखोगे। बस आपने 10 मिनट इस शब्द में लीन हो जाना, इतना लीन होना है, इतना लीन होना है कि तीन दुनिया की, संसार की आपको शुद्ध बुद्ध न रहे, कहीं खो जाए ये संसार। बस क्या बचे, ये जल तत्व, ये बारिश की बूंदें बस। और इनको आपने इस कदर आत्मा से पीना कि आपकी जन्मों की प्यास खत्म हो जाए और बीज पुंगरने के लिए, पुंगरने का उसमें स्टार्ट हो जाए, इनिशिएट हो जाए। हाँ, यदि 10 मिनट से ज़्यादा बैठ सकते हो तो भी अच्छी बात है। तो मैं आपकी चेतना को सावन की बारिश की बूंदें के जल तत्व से मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो प्लीज़ मेरी शुभकामनाएं हैं, आप मिलने तक शुरू जब तक उसे अपनी प्यास को बुझाने के लिए। शुक्रिया।
Soul bride is happy if she falls in love with the lotus feet of the Lord. Mantan ratta sach rang ikko naam aadhar. Her mind and the body are imbued with the love of the true one. His name is her only sport. Bikhya rang kudavya tisan sabbe chaar. The players of the corruption are false. All that is seen, shell turns to ashes. Her amrit bund swamini mil sadhu peeman har. The drop of the Lord's nectar are so beautiful. Meeting the holy saint,
वी ड्रिंक्स दिस इन वन तीन प्रभ संग मौलिया समृत पूरक आभार परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। वन तीन मतलब हर एक वनस्पति की हर एक तना सब मोल सकता है पनप सकता है, बस उसकी कृपा चाहिए। आप हमारे पे भी कृपा करो। वन तीन प्रभ संग मौलिया समृत पूरक अपार हर मिलने नो मन लोचदा हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार माई माइंड यंस टू मीट द लॉर्ड इफ ओनली ही वुड शो हिज मर्सी एंड यूनाइट मी विद हिमसेल्फ। जिन सखिए प्रभ पाया हों तिनके सद बलिहार दोज ब्राइड्स हु हैव ऑब्टेन गॉड आई एम फॉर अवर अ सक्रीफाइस टू देम नानक नानक हरजी मया कर सबद सवारन हार ओ नानक व्हेन द डियर लॉर्ड शोज काइंडनेस ही एडॉर्न्स हिज ब्राइड विद द वर्ड्स ऑफ हिज शब्द सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उर हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उर हार सावन इज ब्यूटिफुल फॉर दोज हैप्पी सोल ब्राइड्स हुज हर्ट्स आर एडॉर्न्ड विद द नेकलेस ऑफ द लॉर्ड्स नेम सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उर Sawan is beautiful. Sawan is delightful for those happy soul brides whose hearts are adorned with the necklace of the Lord's name. Why?
है।